चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सबको लग रहा होगा कि मैंने ये वाला पौधा और ये वाला पौधा यहाँ पर क्यों रखा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी के रिलेटेड है। तो आज है जागतिक पर्यावरण दिन और हमारे जीवन में ट्रीज कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो पूरे अर्थ में जीव सृष्टि कहाँ से आएगी। इसीलिए हमारे जीवन में ट्रीज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड, ट्रीज है इसीलिए हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस है। जो हमारे सीजन्स होते हैं जैसे कि विंटर, समर और रेनी, वो जो सीजन्स है वो ट्रीज की वजह से ही टाइम टू टाइम आते हैं। और अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो टाइम टू टाइम वो आएंगे ही नहीं, और उसके वजह से हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में उसका बुरा असर पड़ेगा। थर्ड, ट्रीज है इसीलिए फ्रूट्स है। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो हमें फ्रूट्स कैसे खाने मिलेंगे, और अगर फ्रूट्स ही नहीं होंगे तो हम तंदुरुस्त कैसे रहेंगे। इसीलिए हमारे जीवन में ट्रीज इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ, ट्रीज से हमें शैडो मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया ना कि ट्रीज हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट होता है। ट्रीज तो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन हम ट्रीज को क्या देते हैं? दुख, दर्द, उसके सिवाय तो हम उसे कुछ भी नहीं देते। लेकिन हमें भी अभी से प्रण लेना चाहिए कि हम एक ट्री तो लगा ही देंगे। हमारे अर्थ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर ये सारे लोग एक एक ट्री लगाएंगे तो हमारे पूरे अर्थ पर कितने सारे ट्रीज हो जाएंगे, और हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी मिलेगा और ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। इसीलिए आज से आप एक एक ट्री लगा ही देना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे घर के पूरे ट्रीज का व्यू देने वाली हूँ। तो चलिए ट्रीज देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे घर पर ना बहुत प्रकार के ट्रीज हैं, क्योंकि मुझे और हमारे घर के सभी मेंबर्स को ट्रीज लगाना बहुत ही पसंद है। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे पूरे घर के मेंबर्स को जब हम कौन सा ट्री लगाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि हमने ट्री लगाया, और हमने बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाए हुए हैं। तो चलिए अब हम ट्रीज देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये है चांदी पाट का ट्री जिसे फ्लावर्स भी आए हैं, इसे वाइट फ्लावर्स आते हैं। और इसी प्रकार का बड़ा ट्री भी होता है, लेकिन ये छोटा वाला है। इधर भी फ्लावर्स आए हैं, बहुत ही प्यारे छोटू से फ्लावर्स है। तो देखो फ्रेंड्स, ये है इसका लीफ, कुछ इस तरह का है ये लीफ। सो हम दिखा रहा है आपको, और फ्लावर, अब हम फ्लावर देखते हैं। तो ये है इसका फ्लावर, बहुत ही अच्छा फ्लावर है। देखो, ये वाइट फ्लावर है और इसके बीच में एक येलो कलर का डॉट है। तो फ्रेंड्स, ये है बेल का पौधा, और ये बहुत ही आयुर्वेदिक है। इसके मेडिसिन्स भी बनते हैं, और इसके जो छोटे लीव्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, थोड़े से येलोइश टाइप के। और ये है इसका बड़ा लीफ जो ग्रीन कलर का होता है। ऑब्वियसली सारे ट्रीज ग्रीन ही कलर के होते हैं। और इसका ये वाला लीफ देखिए, थ्री लीफ है, ये और ये। और ये जो ट्री के पत्ते होते हैं वो महादेव को भी चढ़ाते हैं,
तो फ्रेंड्स, अभी जिसको सोहम ने हाथ लगाया है वो है गन्ने का पौधा, जो बहुत ही बड़ा हो चुका है, मतलब थोड़ा बड़ा ही हो गया है। और ये है इसका गन्ना, क्यूट सा। और ये है छोटा गन्ना, तो फ्रेंड्स ये है झेंडू का पौधा, जो फ्लावर होता है ना झेंडू, उसका पौधा है ये। और इसके लीव्स तो बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे ये जो इसका फ्लावर होता है वो बहुत ही पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है, देखिए। और अभी इसको फ्लावर्स नहीं आए हैं अभी तक, तो आ जाएंगे, तो मुड़ते हैं अगले पौधे की ओर। तो फ्रेंड्स ये पौधा है शेवंती का, और ये पिंक शेवंती है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, वाइट, येलो और बहुत सारे, लेकिन ये पिंक है। इसका बड़ा वाला भी था, ये छोटा है पौधा, और इसके बहुत ही मुलायम जो होते हैं ना लीव्स, वो बहुत ही मुलायम है। और इसका फ्लावर देखिए कितने क्यूट है। तो चलिए मुड़ते हैं अगले पौधे की ओर। तो फ्रेंड्स ये भी है शेवंती का ही है, ये यहाँ पर है शेवंती थोड़ी बड़ी, और ये अभी उगना बाकी है, उगना शुरू है इसका। तो फ्रेंड्स ये है मिर्ची का पौधा, अभी इसके फ्लावर्स भी आए हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखो इसका फ्लावर, यहाँ से अभी मिर्ची उगेगी, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स आए हैं। और इसका लीव कुछ इस प्रकार का होता है, बहुत ही प्यारा है यह ट्री। तो फ्रेंड्स ये है फिर से एक बार, मतलब दो है ये, ये यहाँ पर एक था और ये यहाँ पर एक है। ये भी मिर्ची का ही है, और यहाँ पर भी फ्लावर आया है। तो फ्रेंड्स ये है एक शो का ट्री, जो उगने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से उगता है। और फ्रेंड्स ये जब इसका लीफ जब बड़ा हो जाता है, तब इसके जो यहाँ पर फिर से एक बार एक ट्री उग जाता है, मतलब ये इसकी खासियत है। जो भी लीफ बड़ा हो जाता है उससे एक और एक ट्री उसके लीफ के यहाँ पर उग जाता है। इसका मैं बड़ा वाला ट्री भी दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स अभी आपने हमारे घर के टेरेस पर जो पौधे थे वो देखे, अभी मैं आपको हमारे जो कंपाउंड है उस वहाँ के कुछ पेड़ आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे यहाँ का पहला पेड़, जो कस्टर्ड एप्पल के कैटेगरी का है, जिसे हमारे यहाँ पर मराठी में हनुमान फल बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अभी नेक्स्ट पेड़ की ओर। तो फ्रेंड्स ये है हमारे यहाँ का दूसरा पेड़, जो है आम का पेड़, आप सबको तो पता ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ये 7-8 साल से है, लेकिन इसको आम नहीं आते हैं, लेकिन हमने इसको काटा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे बढ़ाने का और इसे इसको फल लाने का, लेकिन ये बार बार मुरझा ही जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम दूसरे बालकनी में आ चुके हैं, और यहाँ से दूसरे पेड़ का लुक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये फर्स्ट है नीम का पेड़, मतलब लेमन जो होता है उसका पेड़ है ये है। और ये देखो यह है लेमन का पेड़, जिसे बहुत सारे लेमन्स आते हैं। तो ये है अगला पेड़, जो है
हमारे यहाँ पर इसे मराठी में डाइम बोलते हैं, और ये भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखो ये दो जो पेड़ है, लेमन का और डाइम का, वो एक साथ कंबाइन हो चुके हैं, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा है। तो ये है इसका फ्लावर जो अभी आ रहा है। तो ये है इसका लुक, फिर से एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है पौधा जो है मैरीगोल्ड फ्लावर का, जो यहाँ से थोड़ा सा सूख गया है, लेकिन ऊपर से बहुत ही अच्छा है। और ये है उसके बाजू में ही एक शो का पौधा, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, वही है। लेकिन अभी इसके जो लीव्स है वो पूरी तरह नहीं बड़े हुए, इसीलिए उसको जो यहाँ पर आता है ना अगला प्लांट फिर से, तो वो नहीं आया है अभी तक। तो देख लीजिए, और ये है तुलसी का प्लांट जो अभी उग रहे हैं, छोटे छोटे ही है, लेकिन ये बहुत ही आयुर्वेदिक है, और कोरोना के समय पर हमें इसका काढ़ा बनाकर पीना चाहिए।